हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी अब रजनी पाटिल नहीं बल्कि राजीव शुक्ला होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने राजीव शुक्ला को हिमाचल के नए प्रभारी की कमान सौंपी है। हाईकमान के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राजीव शुक्ला एक अनुभवी नेता है और उन्हें हिमाचल की राजनीति की भी अच्छी समझ है। राठौर ने कहा कि उनके प्रभारी बनने से हिमाचल कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने रजनी पाटिल की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने भी पार्टी की मजबूती के लिए बेहतर कार्य किए हैं। देखिए, ये पार्टी आलाकमान का फैसला है और जो भी नई नियुक्ति हुई है उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला जी पहले भी यहाँ प्रभारी रह चुके हैं और हमारी जो पुरानी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी लगभग पूरे हिमाचल का दौरा किया और कांग्रेस को मजबूत करने का उनका प्रयास रहा। लेकिन पार्टी आला कमान ने हमको जो है जम्मू कश्मीर में तैनात किया है, वहाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण उनको जिम्मेवारी वहाँ की दी गई, क्योंकि आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जहाँ तक राजीव शुक्ला जी की बात है, वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और हिमाचल की राजनीति की उनको अच्छी समझ है, पकड़ है उनकी यहाँ, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनके बनने से जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को फ़ायदा होगा। सर, कोई दौरा भी उनका होगा आने वाले दिनों में, कोई अभी टेंटिव डेट वगैरह? देखिए, अभी वो जो है देश में नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं, तो अभी मेरी उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जब वो 20 तारीख के बाद आएंगे तो अब उनके साथ बैठ के जो भी अगला कार्यक्रम होगा, जो भी अगली रणनीति होगी, वो बैठ के उनके साथ हम तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।